सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरल शूटर में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे ऑफ रूल्स। आज गाइज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव कैसे बनाए और उसको कैसे अनलॉक करें, और उसका फुल वीडियो आप देखेंगे आज। दोस्तों हम बात करने जा रहे थे एक्सप्लोजिव पर। तो एक्सप्लोजिव पहले हमको बनाने के लिए उसकी पहले बनानी पड़ेगी रेसिपी। तो रेसिपी बनाने के लिए हमको चाहिए एक एक्सप्लोजिव, जो कि एक्सप्लोजिव हमको मिलेगा, एक तो मिल सकता है ड्रॉप पर, एक तो ये हम है ना जो भी हम रूम ओपन करने जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा पर्पल रूम में, और दूसरा मिलता है यहाँ पर एक इस है ना सर्वर की शॉप होती है, उस शॉप के अंदर मिलता है। शॉप के अंदर लेता है हमसे 500 स्पेयर। तो 500 स्पेयर मैंने कलेक्ट कर दिए थे, तो मैं शॉप के पास ही हूँ। मैं वहाँ पर जाकर अपना बेस बना लिया। मैं भी जा रहा हूँ जाकर के एक्सप्लोजिव वहाँ से ना ले लेता हूँ। वैसे आपके पास है ना एक्सप्लोजिव, आप ड्रॉप लूटने जाओगे या सिपाही की शिप लूटने जाओगे या इजी मोटेंट और टैंक या हेली या मिलिट्री बेस का वो होता है ना कर्नल, उसका किल करोगे तो वहाँ पर भी हमको एक्सप्लोजिव मिल जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ख़रीद लूँ। यहीं पर ये पास में ना शॉप लगी है, ये देखो कोने में शॉप डाली हुई है, इसके अंदर हमको एक्सप्लोजिव मिल जाता है यहाँ पर। ये देखो गाइज मैंने बताया ना 500 स्पेयर लेता है इसका, मेरे पास स्पेयर है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओ भाई साहब 1200 में ऑटो कर्नल मिली है, लूँ नहीं लूँ क्या करूँ गाइज, ले लो चलो कोई बात नहीं, ऑटो कर्नल भी साथ में ले लेता हूँ काम आएगी। और क्या क्या है सब मैं देख लेते हैं, और कुछ यहाँ पर सॉल्ड आउट है तो यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, तो सॉल्ड आउट होगा तो उसके नेक्स्ट टाइम होगा, बाद में वो आ जाएगा। हेडमेट भी ले लेता हूँ यार, बहुत काम का ये भी, ये ना एक्सप्लोजिव से ही हेडमेट बनेगा, और हेडमेट तो आपको पता है ये गाइस है ना इस पर यूज होता है आयरन की दीवार तोड़ने के लिए। और मैंने M4 भी ले ली है, और मेरे पास यहाँ पर मास्क नहीं था तो मेरी हेल्थ डाउन होने लगी, तो मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। हमारे चैनल पर गाइस नए आए हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो लाइक और कमेंट कर देना। मैंने यहाँ पर पास में ही बेस बनाया तो वहाँ पर चला जाता हूँ, हेल्थ मार लेता हूँ, नहीं तो यार इसके अंदर जाने से ना मास्क नहीं पहना हो ना तो यहाँ पर ये टाइम के हिसाब से ना अपनी हेल्थ कम होने लगती है। ये आप चिंता मत करो, यहाँ से परचेज करोगे ना तो 500 स्पेयर मिल जाएगा, लेकिन इसका टाइम होता है 14 मिनट होता है, तो 14 मिनट तक आपका किल भी हो जाए ना तो फिर भी ये ड्रॉप नहीं होगा, इसका ये खासियत है बस। ये 14 मिनट तक ना ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने पास रखकर अपने घर तक बेस तक जा सकते हैं। 14 मिनट में मैं अभी इसको है ना हम यूज़ नहीं कर सकते, और 14 मिनट बाद यूज कर सकते हैं, पहले यूज़ नहीं कर सकते, ये ड्रॉप नहीं होगा बस, इसकी खासियत ये होगी यहाँ से परचेज करने के बाद में। और एक्सप्लोजिव बनाने के लिए चाहिए फ्यूल, गन पाउडर और आयरन चाहिए, ये तीन चीज़ चाहिए जो कि मैंने पहले फर्नेस में डाल दिया है। और किसी भाई को गन पाउडर बनाना नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में है ना लिंक दे दूँगा, और गन पाउडर का देख लेना। तो गन पाउडर बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिल्वर और चाकोल चाहिए। और अभी मैं बना लिया हूँ यह ना लो वर्क बेंच बना लिया हूँ, क्योंकि आपको पता होगा ये है ना जो भी मटेरियल बनाएगा उनके लिए ये चाहिए, तो मैं इसको अपग्रेड करना शुरू कर देता हूँ, तो तब तक हमारा है ना ये चाकोल और सल्फर बनता है। और अनलॉक करने के लिए चाहिए ड्राफ्टिंग टेबल भी चाहिए, मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, चाकोल बना लेता हूँ, और यार चाकोल ज़्यादा चाहिए ना। मैं रैंक सर्वर में नहीं हूँ, मैं सोशल सर्वर में आ गया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रैंक में ना सब लेने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए सोशल में आ गया। ये ड्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ क्योंकि इससे ही है ना अपना एक्सप्लोजिव अनलॉक होगा, नहीं तो अनलॉक नहीं होगा। और आप है ना ये वर्क बेंच बना लेना, और पहला 300 का स्पेयर का अपडेट होता है अपग्रेड होता है, बाद में दूसरा 1000 का होता है, ये अपग्रेड करने के बाद में ये सबसे मैक्स लेवल हो जाएगी, बाद में आप कुछ भी बना सकते हो,
और अनलॉक करने के लिए चाहिए ड्राफ्टिंग केबल, ये भी मैंने बना लिया है। और गाइज मैंने बताया ना पहले, जब तक 14 मिनट नहीं होगा तब तक ये यहाँ से अनलॉक नहीं होगा। ये अभी 14 मिनट, अभी 11 मिनट हो गए, 3 मिनट हुए अभी, तो अभी 11 मिनट बाकी है। मैं वीडियो को बीच में कट कर लूँगा और ये इसको होने दो पहले, एक मिनट में ये अपडेट हो जाती है। दोस्तों 14 मिनट होने तक मैंने ना वीडियो को कट कर दिया है और अभी ये रात भी हो गई है और अपनी ये वर्कबेंच अपग्रेड भी हो चुकी है और चाकोल भी ये बन रहा है। और ये देखो अपना 14 मिनट हो गया, तो यहाँ पर ये ऐसा टिका रहा, पहले अलग आ रहा था। मैं यहाँ से आयरन ये क्लेम कर लेता हूँ और पहले बना लेता हूँ गन पाउडर। ये पहले आपको बताने के लिए ना थोड़ा गन पाउडर कम ही बना रहा हूँ, नहीं तो आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब ना ये वर्कबेंच के पास रहना, नहीं तो आपका गन पाउडर बनेगा नहीं। देखो गन पाउडर मैंने बना लिया है, इसको बने दो। यहाँ से पैक कर लेता हूँ ये, पहले बंदा यहाँ से कोई फाइट ले रहा मेरे को, यहाँ से ना मेरे से फाइट ले रहा था। जब तक 14 मिनट हो रही थी तब तो मैंने सोचा क्या करूँ, एक बंदा जा रहा था उसे पीवीपी लेने लग गया मैं तो। और ये वर्कबेंच के आना आप इसके पास में रहना, नहीं तो आपका कोई भी चीज़ क्राफ्ट नहीं होगा। ये क्राफ्ट करने के लिए इसके पास रहना ज़रूरी होता है। ये अपना बन रहा है, इसको बनने दो। वो देखो मैंने बताया ना बेटा, रुक जा वीडियो बन रहा है, क्या करें आप, इससे बाद में फाइट लेंगे। ये गन पाउडर बनने दो, बाद में इसको डाल दूंगा और ये अनलॉक हो जाएगा। ये ड्राफ्टिंग टेबल है ना, इसके अंदर हमको डालना होता है। थोड़ा आयरन कम पड़ेगा, आयरन और डाल देते ताकि है ना बाद में दिक्कत ना आए। मैंने देखो यहाँ पर है ना बंदों के चक्कर में यहाँ से आसपास में से ना पूरा अपग्रेड कर दिया, तो अपग्रेड किया तो आयरन भूल से कर दिया, तो आयरन चला गया ना। ये 400 गन पाउडर बन गया है, तो मैं अभी इसको डाल देता हूँ। ये एक्सप्लोजिव है, ये पहले मैंने है ना एम्पोर की रेसिपी निकाली थी। देखो इसके बनाने के लिए चाहिए 700 स्पेयर, तो मेरे पास 700 स्पेयर है, तो एक्सप्लोजिव को मैं डाल देता हूँ। अभी एक्सप्लोजिव बन रहा है, 700 स्पेयर चाहिए, 500 स्पेयर वहाँ पर चाहिए उसको परचेज करने के लिए, बाद में 300 स्पेयर चाहिए इसको लो वर्क बेंच है ना इसको अपग्रेड करने के लिए, बाद में इसको आज़ाद चाहिए दूसरा अपग्रेड के लिए, यहाँ पर 600 सही है। ये तो आपको पहले इतना लाना पड़ेगा, बाद में ये सब बन पाएंगे। तो एक मिनट लेगा ये बन जाएगा। ये देखो एनिमी है अभी अपने पास आ गया पूरा, ये एक्सप्लोजिव अपना हो गया। यहाँ से मैं इसको यूज करके अनलॉक कर लेता हूँ। एक्सप्लोजिव ये देखो गाइस अपना एक्चुअली अनलॉक हो गया। ये देखो बेटा सामने खड़ा है, रुक जा यार, इससे फाइट लेने का बहुत अच्छा मन कर रहा था लेकिन क्या करूँ। मेरे पास फ्यूल थे और एक्सप्लोजिव फ्यूल, और मैंने बताया ना देखो 10 चाहिए आयरन, 3 फ्यूल और 50 गन पाउडर बस नहीं चाहिए एक एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। और 5 एक्सप्लोजिव से बन जाएगा आपका हेलमेट और 15 एक्सप्लोजिव से बन जाएगा एक सीपर, जो कि सीपर आपको पता ही है काफ़ी बेस्ट यूजफुल है। ये एक्सप्लोजिव देखो गाइस इससे बन चुके हैं। तो इसी के साथ वीडियो अभी एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बनाने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा।